क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। आदत बना रखी है, रात के इस पहर में जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तुम यहां जाग जाके आंखों में काट रहे हो। अमीश उठो, मेरे भी नींद खराब कर दू, पता नहीं क्या सोचते रहते हो, पता नहीं कहां खोए रहते हो, इतनी रात हो गई है। मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हें भी नहीं सोने दूंगी। क्या बना देना चाहती है, कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरे बेटे को आलू पराठे के साथ गरम गरम दूध दिया कर। घास फूस और फल फूल खाने के दिन नहीं आए हैं मेरे बेटे के। आज उपवास का आखिरी दिन है मेरा, अमीश के लिए रखा है मैंने उपवास, आज भर बर्दाश्त कर लीजिए, कल से उसे वही दूंगी जो आप चाहती है। जताना क्या चाहती है तू, हाँ सारे व्रत उपवास मेरे बेटे के लिए तू ही रखती है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने जितने उपवास रखे है ना मेरे बेटे के लिए और मेरे पति के लिए, उतने तो तू सात जन्म में भी नहीं रख सकती। तो तेरा ये व्रत उपवास ना उल्टा असर कर रहा है मेरे बेटे। पहले मेरे बेटा कितना हंसता था, खेलता था, हर बात पे मजाक करता था, और अब मैं 10 बातें बोलूं तब जाके वो एक बात बोलता है। लगता है कि मेरा अपना बेटा मेरा अपना रहा ही नहीं। एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद मेरे बेटे के खाने पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। पाबंदी लगानी है ना तो अपने आप पर लगा। ये तेवर मुझे मत दिखा, अमीश को ही दिखाती हो ना तो उसी को दिखाओ। देख रही हैं आप कैसी मुस्कुराहट है इनके चेहरे पर। खुश रहो। अरे आज मुझे लग ही रहा था सुबह सुबह ही दर्शन होंगे आपके। मेरे बेटे का ख्याल अपने बेटे की तरह ही रखना, एक तुम ही हो जो उसका ख्याल रख सकते हो। घर से बाहर निकलने के बाद तुम ही उसके आसपास रहते हो, और तुम्हारे आसपास रहने से मैं निश्चिंत रहती हूँ। साहब तो एकदम हीरा है माँ जी, हम तो अपनी बाकी उम्र साहब की देखभाल में ही बिताएंगे। आपको पता है नया फ्लाईओवर भी साहब को ही मिला है, साहब ही उसके इंजीनियर हैं। अगर साहब चाहेंगे ना तो खूब माल छाप देंगे। लेकिन जरा समझाइए आप उन्हें
इतनी ईमानदारी अच्छी चीज नहीं है, आप समझ रही है ना माँ? कहाँ हो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में क्या? तुम कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के पास तो नहीं चले जाती? कहना कि माँ थोड़ी शांत हो जाएंगी, हर रोज किसी ना किसी बहाने को ढूंढती रहती है तुमसे बहस करने के लिए। इशू ढूंढ नहीं लेती, इशू वो खुद ही पैदा कर लेती। मैं तो कहती हूँ माँ को थोड़े दिन हरिद्वार भेज दो, कन्या चाची के पास, थोड़े दिन भजन कीर्तन करेंगी तो उनका भी मन हल्का हो जाएगा। सही कह रही हो बहू, मैं भी सोच रही थी कि अगले हफ्ते हरिद्वार चली जाऊं, मेरे उपवास शुरू हो रहे हैं ना, सोचा वहीं जाकर करूंगी। तू ना अगले हफ्ते की मेरी हरिद्वार की टिकट कटा दे, अब तो हरि का द्वार ही मेरे लिए ठीक है। तिनका तिनका करके जिस घर को बनाया वही घर मुझे काटने दौड़ता है, मेरी टिकट कटा देना। हाँ तुम्हारी माँ तो बार बार पर ट्रेजेडी क्वीन बन जाती है, मीठी मीठी जुबान से कड़वी कड़वी सुना गई ना तुम्हें भी और मुझे भी। रात को खाने पर इंतजार मत करना, देर हो जाएगी। तूने सब्जियों को फेंका है ना, उतने ही प्यार से मैं तुझे इस घर से बाहर फेंकूंगी। बहू, बहू बेटा आज ना मेरे लिए खाना नहीं बनाना, वो मेरी सहेली की बहू है ना इंदुमती, उसकी गोद भराई में जाने वाली हूँ तो सोचा कि वहीं खा लूं। तुम अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ बना लेना। हाँ, 3 दिन से मेरे बेटे के लिए उपवास रखा है ना तुमने। ये किसकी गाड़ी है भाई साहब? गिरजा देवी ने बुक किया है हरिद्वार जाने के लिए। बहू, मैंने सोचा कि अगले हफ्ते हरिद्वार चली जाऊंगी, पर कन्या का फोन आ गया, बोली कि आ जाओ, एक हफ्ते का योगा शिविर लगा है, तो सोचा चली जाती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और अमीश का भी। ये क्या माँ, अपने आप ही मन बनाया और चल दी, हद करती हैं आप भी। जब आपका हरिद्वार जाने का वक्त आएगा ना तो मैं खुद छोड़कर आऊंगा आपको। रही बात कन्या चाची, भूल जाइए कि उनसे कोई बात हुई थी, ठीक है? बिल्डिंग और ब्रिज बहुत रिपेयर कर लिए मैंने, अब आपके और जूही के रिश्ते को रिपेयर करूंगा मैं। ये लो,
माँ का सामान उनके कमरे में रख दो, मैं जाकर टैक्सी वाले को वापस भेज दूँ। काम कीजिए, अभी आप जाइए। एक वेश्या में जितनी लिहाज और शर्म होती है ना, आप में तो वो भी नहीं है। आज तो क्या, मैं कभी भी हरिद्वार नहीं जाऊंगी, पूरी जिंदगी यहीं रहकर तुम्हारी छाती पर मूंग दलूंगी। जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन जाना है, तुम्हारी माँ के खिलाफ FIR करूंगी और तुम गवाही दोगे। मगर हुआ क्या, बताओ तो सही, हुआ क्या है? तुमने अपनी आंखों से देखा ना, तुम्हारी माँ ने मेरे गाल पे तमाचा मारा है। पहले मुझे माँ से बात करने दो, फिर देखते हैं। तुम माँ से बात करो, मैं जा रही हूँ। चलो, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों, यहाँ रहकर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मनमर्जियां बर्दाश्त करती रहूं? मैं रो गिड़गिड़ाऊं बस ये साबित करने के लिए कि मैं एक आदर्श बहू और एक आदर्श पत्नी हूँ? नहीं अमीश, अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया है मैंने। तुम्हारी माँ की जबान मीठी नहीं है बल्कि एक सांप की जहरीली जीभ है। अरे सांप का डसा हुआ फिर भी एक बार बच जाए, तुम्हारी माँ का डसा हुआ कभी नहीं बच सकता। तुम्हारी माँ ने हमारा रिश्ता ही नहीं खत्म किया बल्कि तुम्हारे अंदर मुझे और मेरे अंदर तुम्हें भी मार दिया है। हम दोनों एक दूसरे के अंदर खत्म हो चुके हैं अमीश। तुम्हारी माँ की असली जगह ना ये घर नहीं है, ना ही हरिद्वार। तुम्हारी माँ की असली जगह जेल है। अमीश इससे ये क्यों नहीं पूछता कि इससे थप्पड़ क्यों मारा? आपने जो कहना था, जो करना था कर दिया। अब मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ ना, अब ये मुझे तय करने दीजिए मैं अपनी बीवी से क्या पूछूंगा क्या नहीं। प्लीज आप जाइए माँ, प्लीज आप जाइए। अभी तो मेरे बेटे को ले गई है ना, तो बहुत जल्द तुझे इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। आपने जुई पर हाथ क्यों उठाया? बहू को कहाँ छोड़ा है बेटा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपने जुई को थप्पड़ क्यों मारा, ये मेरा सवाल है। मुझे आपके आंसुओं से कोई हमदर्दी नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने जूही को थप्पड़ क्यों मारा। गलती हो गई बेटा, मुझे जूही के पास ले चल, मैं उससे माफी मांगूंगी, वो मुझे माफ कर देगी। का सामान उनके कमरे में रखा, मैं जाकर टैक्सी वाले को वापस भेज दूँ। आपको पता है ना, आपका बेटा आपके लिए कुछ भी कर सकता है, बहुत प्यार करता है वो आपसे, और ऐसे तो आपको जाने देगा नहीं, क्योंकि जानबूझकर क्यों ये सब नाटक करती हैं आप? आज आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझे। आपने मुझे चैन से जीने ही नहीं दी, और ना ही कभी अपने बेटे को बताया कि अपनी पत्नी के प्रति उसका क्या फर्ज है। आपके बेटे को तलाक देने के लिए तैयार हूँ मैं, बस ये चाहती हूँ कि आपका बेटा खुश रहे। मेरा बेटा खुश रहे ये चाहती है तू? खुश तो तब रहेगा ना जब तू उसे खुश रहने देगी। तू तो उसे अपना पूछ बना के रखना चाहती है कि मेरा बेटा तेरे पीछे धूम दबाता हुआ भागता रहे। हाँ,
वो एक माँ का बेटा भी है, उसे बेटा ही रहने दे। तुझे पता भी है कि मेरे बेटे के साथ तू कैसे बात करती है? ऐसा लगता है जैसे बाजार से खरीद कर लाई है पति। याद रख, तू एक पत्नी है और पत्नी का स्थान पति के चरणों में होता है, उसके माथे मत चढ़ा कर। उस दिन मेरा बेटा थक हार कर थोड़ी देर बाहर क्या बैठा, तू तो उसे खींच कर अपने कमरे में वापस ले गई। प्लीज चलो, मेरे को नींद आ रही है। चलो अब, मेरे भी नींद खराब कर तू, पता नहीं क्या सोचते रहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम जैसी औरतें अपने पति को मशीन समझती हैं, पूरी जिंदगी अपना शौक पूरा करवाती है और अपनी भूख मिट जाए तो उसे धुतकार देती है। मैंने देखा था उस रात बंद कमरे के पीछे तुम मेरे बेटे के साथ कैसा बर्ताव कर रही थी। गंदी औरत है ना, कितनी गिरी हुई है। अरे अपने जवान बेटे और बहू के कमरे में झांकती है आप? छी, घिनाती है मुझे आपको देखकर। आपको ना किसी अमीर खानदान की मालकिन नहीं बल्कि कोई कोठा चलाने वाली होना चाहिए। अरे एक वेश्या में जितना लिहाज और शर्म होता है ना, उतना भी नहीं है आप में। अमीश बेटा, बहू को वापस ले आ, मैं उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांग लूंगी। उसे वापस ले आ। मैंने अमीश से वादा किया था बहू के वापस आते ही उससे माफी मांगूंगी। मैंने आज तक जितनी भी गलतियां की उसके लिए मुझे माफ कर देना बेटा। तुम सही कहती हो, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उसकी माँ हूं। मैंने तो अपने विवेक बुद्धि पर पट्टी बांध ली थी। तुम्हें नीचे गिराने के लिए मैं खुद इतना नीचे गिर गई कि मुझे पता ही नहीं चला। मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दे। आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मैंने भी सब कुछ भुला देने का फैसला किया है। आप भी सब कुछ भूल जाइए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज इस घर में मेरा पहला ही दिन है और आपसे मेरी पहली मुलाकात। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और जल्द ही तेरी गोद भर दे। अब इस घर को एक लल्ला चाहिए। ये घर गुलदस्ते से नहीं बच्चे की किलकारियों से सजेगा। सास और बहू के इस अनोखे मिलन से ऐसा लगा जैसे परिवार का पुनर्जन्म हुआ है। अमीश का टूटा हुआ आत्मविश्वास फिर से लौट आया। उसे अपनी माँ और पत्नी से जो शिकायतें थी वो बर्फ की तरह पिघल गई। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। जूही ने ठीक 11 महीने बाद एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया जिसका नाम सबने मिलकर ज्योति रखा। ज्योति की रौनक ने वाकई अमीश की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। अब वो ट्रेन की सीटी की आवाज से नहीं बल्कि ज्योति की किलकारियों की आवाज से जागने लगा था। घर का माहौल पूरी तरह से सुलझ चुका था, एक नई उमंग आ चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं दबे पांव एक अनहोनी दस्तक दे रही थी जिसका अमीश को जरा भी अंदाजा नहीं था। जो इल्जाम सास ने बहू पर लगाए थे और बहू ने सास पर, वो इल्जाम जख्म से नासूर बन गए, ऐसे नासूर जिनको भरना लगभग नामुमकिन था। बदलते वक्त के साथ साथ सास बहू का संग्राम फिर से शुरू हो चुका था। क्या हुआ?
बड़ी रोमांटिक हो गई आजकल तुम, जब से ज्योति हुई है। पहले तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं थी तुम। अच्छा? अमीश बेटा, गाल तो साफ कर लो, लोग क्या कहेंगे, लिपस्टिक लगी थी। अच्छा बेटा, ये प्रॉपर्टी के कागजात है, तुम्हारे पापा ने मेरे नाम किए थे, मैंने वकील से कहकर इसे तुम्हारे नाम करवा लिया है और नॉमिनी में ज्योति का नाम रखा है, जूही को बेदखल रखा है। ये मेरी सोच है, पर तुम चाहो तो सब कुछ उसके नाम कर सकते हो। अरे माँ, आप भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। मैं शाम को ऑफिस से आने के बाद आपसे बात करता हूँ। अरे बेटा, इसे बैंक के लॉकर में रखवा देना, वैसे भी तेरे पास फुर्सत कहाँ होती है। रोना नहीं, रोना नहीं। माम, मैं आपके साथ बैठ के समय बिताने की कोशिश करूंगा, अभी चलता हूं। कल सुबह कितने बजे आऊं साहब? कल एक घंटा देरी से आना, तो क्या है ना कि बड़े दिन से माँ से बातचीत नहीं हुई है, इसी बहाने दो चार बातें ज्यादा कर लूंगा। ठीक है साहब। जूही, जूही, घर पे गई नहीं है, कहाँ गई है वो? पता नहीं बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, वापस आकर देखा तो वो घर में नहीं थी। पर तू परेशान क्यों हो रहा है? हो सकता है अपनी बहन के घर गई हो, पहले भी उसने ऐसा किया है। वो कौन सा मुझे बता कर जाती है, उसे फोन करके पूछ ले। छोड़ गए माँ, प्लीज अगर आपको जूही के बारे में कुछ भी पता है प्लीज मुझे बताइए। वो ज्योति को भी अपने साथ ले गई है और उसका फोन भी घर पे पड़ा है। देख, इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, बहू मेरी हर बात का उल्टा मतलब निकालती है। वो चाहती है कि तू मेरा बेटा ना रहे, सिर्फ उसका पति बना रहे। ये मेरी बात का जवाब नहीं है माँ। वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, तुझे जो भी पूछना है उससे पूछ, मुझसे नहीं। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली है। आखिरी जिम्मेदारी थी तुझे अपने पिताजी की संपत्ति देना, वो भी मैं सुबह दे चुकी हूँ। अब इसी शनिवार को मैं हरिद्वार चली जाऊंगी और बाकी की सारी जिंदगी वही बिताऊंगी। जिंदगी यहीं रहकर तुम्हारी छाती पर मूंग डालूंगी। वो चाहती है कि तुम मेरा बेटा ना रहे, सिर्फ उसका पति बना रहे। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके ही आना मेरे पास।